एक आदमी अगर मनमोहन सिंह या कामाख्या प्रसाद सिंह या अन्य कोई अगर एक सबूत बता दे कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक भी मतदाता से कहा, एक भी मीटिंग में कांग्रेस की में गया या एक भी ऐसा कृत्य किया जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। छतरपुर जिला में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक पे कई सारे गंभीर आरोप लगाने के बाद पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह भंवर राजा अब मंत्री वीरेंद्र खटीक के समर्थकों के भंवर में फंस रहे हैं। हाल में सांसद प्रतिनिधि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह भंवर राजा पे जबरदस्त आरोप लगा दे, एक एक करके लगा दी आरोपों की झड़ी। आप भी सुनो सांसद समर्थकों की जा पूरी की पूरी बातचीत, जी में उनने आरोपों के घेरे में लव है भंवर राजा को। 8/2010 जिसका मर्डर हुआ उसकी पत्नी ने हमको बता रही 20 किलोमीटर जो रहने हमारे यहाँ से, उसकी पत्नी ने पता लगाया कि जब वो FIR पड़े स्टोर उसने तो हमको सूचना दी गांव से आए कि आपका FIR में नाम है, वहाँ के सरपंच का भी नाम है जिसने उसकी मदद की। जब वो पता लगा तो उसकी पत्नी को वो थाने गई, थाने को माननीय मानवेंद्र सिंह ने थाने से बुलाकर उसको और अपने गली में बुलवाया, उससे ये कहा गया कि आप ठीक है आपके साथ में गलत हुआ है, हम आपका साथ देंगे, तो आप ऐसा करोगे इसको, उसको 7,000 रुपया दिए गए, 7,000 मानवेंद्र सिंह ने कि आप ठीक है देने कर लो अपना, इसके बाद हम आपका एक पट्टा बनवा देंगे, लेकिन जो FIR ढली है वो सही है, जो नाम लिखे हैं वो सही है, तो आप किसी तरीके से बयान देना। तो उसने उस महिला के मैं धन कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उसको, एक गरीब महिला ने उनके 7,000 रुपया फेंके और उसने कहा कि नहीं राजा हम गलत नहीं कर सकते, हमारे साथ में हमारे भतीजों ने मर्डर किया है हमारे आदमी का, हमने उसके नाम लिखवाए थे। अच्छा FIR में नाम नहीं है आपका? नहीं FIR में, वही हम कह रहे हैं। अब ये दो नाम कैसे लगे, किसने लिखे? उस समय पे एक आरोप लगा था कि आप जो है कांग्रेस का काम कर रहे थे, आपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम किया। मैं कह देना चाहता हूँ आप लोगों के समक्ष एक बात रखना चाहता हूँ, 1996 में जब मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया, जब वहाँ पर अपने जिले में माननीय विराट सिंह दत्ता जी जिला अध्यक्ष, माननीय ललिता यादव जी महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष, उमा भारती जी आज लोकेंद्र सिंह जी सामने बैठे हैं और माननीय सुनील नायक जी, क्योंकि वे मेरे दोस्त थे और सहपाठी थे, भी आकर के उनने गांव में मुझको भाजपा में मिलवाया। उस समय से मैं भाजपा में काम कर रहा हूँ। 1996 में जैसे ही हम भाजपा में मिले उसी समय पे मानवेंद्र सिंह को कांग्रेस से टिकट मिलता था मिला और उमा भारती जी यहाँ से लड़ी, तो हम आमने सामने हमने विरोध किया और उसके बाद फिर माननीय जितेंद्र सिंह जी जिला अध्यक्ष बने, हम उनके साथ पूरे क्षेत्र में रहे। मानवेंद्र सिंह उस समय पर कांग्रेस में मंत्री थे तो उनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था, हम लोग दो चार लोग हैं केवल जाया करते थे और बोला करते थे, तो उस समय की तसल भर के आज तक वो चले आ रहे। आज उनको मौका मिला, मैंने अभी टिकट के पहले वो कह रहे थे कांग्रेस का काम किया, हम लोगों ने बड़ी दम से पार्टी संगठन के सामने बात रखी कि कामाख्या प्रसाद सिंह जी आप भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, आप किसी को भी आप दे दो टिकट लेकिन इनको नहीं, ये आज तक सदस्य नहीं है, पार्टी की मीटिंग में नहीं आए, पार्टी के एक भी कार्यकर्ता को नहीं पहचानते हैं, ना भी एक भी रीति रिवाज जो भाजपा का है उससे परिचित है, लेकिन नहीं किया। हम लोग घर बैठ गए, माननीय सांसद जी ने हमको फोन करके कहा कि तुम कभी ये जानकारी नहीं मिले कि आपने कांग्रेस का किया या प्रत्याशी से मिले। मैं आपको बिल्कुल सत्य बात कहता हूँ, एक आदमी अगर मानवेंद्र सिंह या कामाख्या प्रसाद सिंह या अन्य कोई, मैं आप लोगों के समक्ष कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, अगर एक सबूत बता दे कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक भी मतदाता से कहा, एक भी मीटिंग में कांग्रेस की में गया या एक भी ऐसा कृत्य किया जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो, आपको जानकारी होगी मैं जहाँ निवास करता हूँ वहाँ पे केवल मेरा घर ब्राह्मण का है, दो गांव में सिंग्राम फोर्ट और ददरी में, वो पूरे 99% हरजन है, 99% आप जाकर वो कर लें। अगर हम आप अपने जात बरादरी या किसी के लिए करते
हरजन व्यक्ति कभी भी अपनी जाति को छोड़ के मायावती कभी नहीं जीती, शासन में देश में नहीं आई, लेकिन आप रिकॉर्ड उठा लो कि किस विधानसभा में किस लोकसभा में हरजन ने वोट हाथी को नहीं दिया। आज कांग्रेस से हरजन का प्रत्याशी था, कैसे वो हमें वोट दे दे, हम क्या जबरदस्ती डाल लें, हमको वो वोट देते हैं, मैं 30 साल से सरपंच हूँ, सरपंच में वो हमको देते हैं, वो विधानसभा लोकसभा में अपने मन से वोट डालते हैं, जीतने हारने की बात नहीं है। बूथ कैप्चरिंग के भी आरोप लगे थे आप पर। बूथ कैप्चर मैंने आज तक नहीं की। मैं चुनाव लड़ा था, मैं सबसे अधिक वोटों में जीता था, मेरा एक जगबर से प्रत्याशी था डायरेक्टर का बसंत लाल कुशवाहा, वो जीत गया, मैं जीत के अपने घर आया, जीत के घर नहीं आ पाया, उसको बसंत लाल को 4 वोटों से हरा के एक मानसिंह राजपूत को प्रत्याशी घोषित कर दिया। मैं जब पहुंचा तो मेरी प्रशासन से बात हुई, पीटर सिंह से बात हुई, इस बात के दौरान थोड़ा हॉटअप भी, उसमें मेरे ऊपर 353 का केस, पहला केस चला, दूसरा केस हमारे ऊपर 2012 में मंडी में हमारे यहाँ किसानों का बहुत बड़ा दोहन होता था, व्यापारी किसानों से गल्ले के रूप में एक ट्रैक्टर पर 20 किलो गल्ला लेते थे, उसके स्वरूप मैंने विरोध प्रदर्शन किया, 7 घंटे जाम रहा रेलवे फाटक के नीचे, जब जाम नहीं खुला, किसान तैयार नहीं थे, तो एक बस वाले को पकड़ के नीरज बस वाले के ड्राइवर से मेरे ऊपर दूसरा केस लगवाया। तीसरा केस 2014 में विद्युत मंडल के जो हमारे यहाँ मीटर नहीं लगे थे और आंतरिक खपत के रूप में छोटे उपभोक्ताओं से विद्युत मंडल पैसा वसूलता था, उसके संबंध में 3 दिन का मैंने भूख हड़ताल की थी, होल्डअप के नगरवासियों ने किया था मेरे समर्थन में, उसमें मेरे ऊपर केस था, तीनों केस बनी है। अभी एक केस लेटेस्ट हमारे भारतीय जनता एवं नगर पंचायत की इनकी पत्नी उपाध्यक्ष हैं नागेंद्र तिवारी जी, इनके गुंडों ने 2 महीने पहले उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया, रिपोर्ट करने पहुंचे तो 50 इनके गुंडे थाने पहुंच गए और राजेंद्र तिवारी की मां ने की रिपोर्ट, तो एक हमारे गांव के लाडला के दिलीप परवाल को बुला के उनके खिलाफ हरजन केस का मामला कायम किया कराया। जब हम लोग थाने में जाने की स्थिति में, चूंकि 50 गुंडे उनके पहले TI ने खुद SP से बताया कि साहब मैंने झूठा मामला मजबूरी में करना पड़ा, SP ने जाँच की, जब हम लोग पहुंचे तो हम लोगों का 327 का मामला था, राजेंद्र तिवारी को उनके ऊपर करवाया गया, तो उस केस में इन लोगों ने राजेंद्र तिवारी ने मुझे गवाह बना दिया, मुझे और हमारे मंडल थे अजीत सिंह, 2 अज्ञात नाम थे उस हरिजन केस में, जो राजेंद्र तिवारी राजेंद्र पिताजी के पिताजी के नाम जो FIR की गई थी, 2 अज्ञात थे, तो चूंकि हम अजीत सिंह गवाह बने, बाद में हम लोगों के खिलाफ बयान दगा हरिजन केस अभी लगवाए, जो चल रहा है, जो अभी जवाब थे हम हैं, अभी चल रहा है वो, हाँ अभी चल रहा है, अभी जमात में, लेकिन उनके जो 4 लोगों के खिलाफ 327 लगी जो सेशन ट्रायल मामला है, उनकी ना तो अभी तक जमानत ना पुलिस पकड़ रही है, ना ही कुछ उनका कोई गिरफ्तारी हुई, लेकिन हम लोग गुंडे, हम लोग उनके नाम अजीत सिंह, सुरेंद्र सिंह राजावत, राघवेंद्र सिंह और एक राघवेंद्र सिंह और एक और 4 नाम है। तारीख कही है विधानसभा चुनाव के जस्ट 1 महीने बाद, नहीं कोई नाम वो सब महामहिम के सम्रांत नागरिक जम के विवाद चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में छतरपुर में, फिलहाल प्रदेश स्तर या राष्ट्रीय स्तर पे ई पे कोनो प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन जो विवाद लगातार आगे बढ़ रहा है। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर, 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल्स, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।